हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस क्लास में हम आप लोगों के लिए बच्चों एल्टीट्यूड कैसे निकालना है, ठीक है। लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था कि ज्योमेट्रिक मीन ऑफ लेग्स कैसे फटाफट निकालते थे, और उसके अंदर हम जो इस्तेमाल करते थे विंडो 10 इस्तेमाल करते थे। विंडो 10 का मतलब एडवांस वाली विंडो 10 इस्तेमाल करते थे। तो आज बच्चों हमें क्या निकालना है, बच्चों एल्टीट्यूड निकालना है। तो अब बच्चों ये मुझे बताओ कि इस ट्रायंगल के अंदर ये क्या बच्चों एल्टीट्यूड है, तो ये बात समझ आती है या नहीं आती बक्का अच्छी तरह, ठीक है। तो आपको लास्ट टाइम मैंने बताया था कि तीनों ट्रायंगल, इसके अंदर कितने ट्रायंगल्स बन रहे हैं बच्चों, तीन ट्रायंगल्स बन रहे हैं, ठीक है। तो उन ट्रायंगल्स को एक बार देखो तरीका, अपने पुराने वाले विंडो एक्सपी वाले तरीके से देखते हैं कि ऐसे आप लोग ट्रायंगल तीन सिमिलर कौन कौन से हैं बच्चों। ये बी ए सी, बी बच्चों एंगल कौन सा बच्चों 90 माइनस थीटा, ये एंगल कौन सा है 90, और सी क्या बच्चों थीटा। यहाँ पर मैंने आप लोगों को बताया था ये थीटा है, तो इस तरह इसको ये 90 है, और ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम क्या होता है 180। तो ये तीन ट्रायंगल्स हैं बच्चों, तो बी ए सी। तो अब ये जो ट्रायंगल सिमिलर है बच्चों, इसी के अकॉर्डिंग हम लिख लेते हैं। अब जो दूसरा एंगल है 90 माइनस थीटा, एक तो बी है, और 90 का है बच्चों डी और ए, ये वाला ट्रायंगल इसके सिमिलर है। और कौन सा ट्रायंगल बच्चों सिमिलर है, दूसरा ट्रायंगल कौन सा बच्चों फटाफट बताओ। अब आपका पहला 90 माइनस थीटा वाला कौन सा है बच्चों ए, 90 कौन सा डी सी, ये तीन ट्रायंगल बच्चों क्या हैं सिमिलर है। अब बच्चों हमें एल्टीट्यूड जो है वो किसकी तरह काम करेगा, ज्योमेट्रिक मीन की तरह काम करेगा। तो अब ये बताओ बच्चों ये एल्टीट्यूड बड़े वाले ट्रायंगल में तो कहीं नहीं आ रहा, ये बड़े वाले ट्रायंगल का पार्ट है, लेकिन दो जो छोटे ट्रायंगल है वो आपस में क्या है बच्चों सिमिलर है, ये उनका पार्ट है। तो बात समझ आई। तो अब हमने क्या किया बच्चों, एल्टीट्यूड इधर भी लिख लिया, ये दोनों साइड क्या होती हैं बच्चों प्रोपोर्शन में होती हैं, न्यूमरेटर में लिख लिया, और जो दूसरी साइड प्रोपोर्शन है उसके कहां लिख लिया बच्चों डिनोमिनेटर में लिख दिया, ताकि वो दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगी तो एल्टीट्यूड इनटू एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड का स्क्वायर, ज्योमेट्रिक मीन तभी मिलेगा ना बच्चों, तो एल्टीट्यूड लिख दिया। तो ये बात समझ आ रही है या नहीं आ रही अच्छी तरह। अब देखो बच्चों अब तरीका हम देखते हैं कि अब जो निकालना है वो कैसे निकालना है, कैसे करना है। हाँ जी, इस वाले ट्रायंगल एल्टीट्यूड जो था बच्चों कि कहाँ था बच्चों थीटा है इसके सामने एंगल, इसके सामने एंगल क्या बच्चों थीटा। तो सबसे पहले ये मान लेते हैं कि ये आपको गिवन था, ये बड़े ट्रायंगल क्या था बच्चों गिवन, ये नहीं मुझे मालूम कि ये बड़ा ट्रायंगल है या छोटा है, ये नहीं मालूम, लेकिन ये मुझे नजर आ रहा है कि ये पीछे जब हमने क्वेश्चन सोल्व किया था तो ये बी डी क्या आया था बच्चों 1.8 आया था, और डी सी जो आया था वो क्या आया था 3.2 आया था। तो ये वाला स्मॉलर ट्रायंगल है, ये वाला क्या बच्चों स्मॉलर, और ये वाला ट्रायंगल जो है बच्चों क्या है बिगर, किसकी वजह से बच्चों बेस की वजह से, यदि ये हम 3, 4, 5 ले लेते हैं तो बात समझ आती है बच्चों। तो ये बच्चों मैंने बिगर लिखा है, इधर देखो एल्टीट्यूड के सामने एंगल क्या है बच्चों थीटा, इधर एल्टीट्यूड के सामने जो एंगल थीटा आया है उसके सामने साइड कौन सी है बच्चों, ये देखो बी डी क्या बच्चों, इधर देखो बच्चों थीटा के सामने वाली साइड कौन सी है बच्चों बी डी, क्लियर। अब जिस छोटे वाले ट्रायंगल का एल्टीट्यूड आया इस एल्टीट्यूड के सामने एंगल कौन सा था माइनस थीटा, इधर देखो 90 माइनस थीटा के सामने वाला कौन था बच्चों डी सी, क्या बच्चों डी सी। बात समझ आती है नहीं आती, इस तरह फटाफट लिख लेते हैं विंडो 10 इस्तेमाल करते हैं। ये देखो बच्चों ये बड़े वाला ट्रायंगल वाली जो साइड है मैं ऊपर रख रहा हूँ और स्मॉलर वाले की नीचे रख रहा हूँ। अब पीछे से बच्चा कह रहा है सर बिगर और स्मॉलर आपको कैसे पता, क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल हैं इनके परपेंडिकुलर दोनों के क्या हैं कॉमन है, इसका बेस 1.8 है, इसका बेस कितना है बच्चों 3.2 है, तो ऑब्वियस है इसका एरिया क्या आएगा ज्यादा आएगा और इस वाले ट्रायंगल का एरिया क्या आएगा कम, तो एरिया के हिसाब से ये बिगर है और ये क्या है स्मॉलर। तो ये बड़े वाले का एल्टीट्यूड के सामने एंगल क्या था थीटा, इधर थीटा के सामने साइड कौन सी है बच्चों बी डी लिख दी, छोटे वाले ट्रायंगल के एल्टीट्यूड के सामने एंगल क्या था 90 माइनस थीटा, और इधर 90 माइनस थीटा के सामने साइड कौन सी है बच्चों डी सी। तो जो कहने का मतलब ये है एल्टीट्यूड जो था वो हमारा इस ट्रायंगल के अंदर क्या था बच्चों बी डी इंटू डी सी, तो ये हमारा आ गया ए डी स्क्वायर इक्वल टू बी डी इंटू डी सी हुआ करेगा, क्या हो जाएगा बी डी इंटू डी सी। ये रिजल्ट भी आपने याद रखना है, वहां एग्जामिनर आपसे कैसे पूछ सकता है बच्चों, इधर देखो वो आपको इस तरह साइड दी होगी ठीक है, और ये आपका ए बी सी और डी,
ठीक है, ये दिया होगा आपको और ये दिया होगा आपको, जैसे 4 दिया हुआ है और ये टोटल आपको क्या दिया हुआ है 9, वो कहेगा आपको एडी निकालो। क्या कहेगा बच्चों? एडी निकालो। और यदि आप किसी एग्जाम में दे रहे हो या कहीं दे रहे हो तो जो बच्चे एक्सपर्ट हैं वो फटाफट निकाल देंगे। अब एल्टीट्यूड एडी निकालना है तो ये मेरी साइड कितनी होगी बच्चों? 5, पूरी 9 थी, तो एडी क्या हो जाएगा बच्चों? 4 × 5 का स्क्वायर रूट, तो ये क्या आ जाएगा बच्चों? 2√5 आ जाएगा। क्या आ जाएगा बच्चों? 2√5। तो फटाफट ये रिजल्ट आप लोगों के सामने पेश हो जाएगा। तो ये बात समझ आई या नहीं आई? तो और भी बड़े सारे क्वेश्चन पूछ सकता है आप लोगों से। अब आपसे वो क्वेश्चन इस तरह पूछ लेगा कि ये वाली साइड जो है बच्चों 2√5 दी हुई है, ठीक है, तो और ये वाली साइड 4 दे रखी है। तो अब आपने बड़े वाला ट्रायंगल साइड हाइपोटेन्यूस निकालना है, तो इसको भी बड़े, तो अब आप लोगों को पता चल चुका है AD स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है? BD × DC। BD की जगह 4 रखा, ये क्या रखा? 2√5 का स्क्वायर, और DC हमारा आ जाएगा यहां से, तो ये आ गया 4 × 5 और 4 नीचे आ गया, तो DC कितना आ गया बच्चों? 5। तो अब हमारा जो BC है वो आपको पता है क्या होगा? BD + DC। BD कितना था आपका? 4, और वो कितना था? 5। तो टोटल कितना आ गया बच्चों? 9। तो हाइपोटेन्यूज कितना आ गया? 9। तो आप लोगों को पता होना चाहिए ये आपके पास 1, 2, 3 और ये 4, ये 4 वेरिएबल हैं। तो कोई दो इन्फॉर्मेशन दी होंगी और एक वेरिएबल तो उसकी एडजस्टमेंट करने से आ जाएगा, BD दिया होगा या DC दिया होगा या BC दिया होगा, तो चौथा थर्ड पूछा होगा, तो आपने इस रिजल्ट को यूज करते हुए फटाफट निकाल देना है। और AD के बारे में क्या ख्याल है बच्चों? ये आपका एक एल्टीट्यूड है, मीडियन नहीं है। क्या नहीं है? मीडियन नहीं है। यदि ये बाई चांस ये भी 4 होता, ये भी 4 होता, तो AD क्या होता आपका बच्चों? सरकम सेंटर होता। क्या होता? सरकम सेंटर। लेकिन यहां पर ये क्या है? एल्टीट्यूड है। तो ये बात आप लोगों को समझ आ गई अच्छी तरह। थैंक यू वेरी मच।